दोस्तों मेरे पास बियर नहीं थी ना, तो बियर भी लेके आता। बात यह है कि मैंने ये फॉग और बियर इसलिए लेके आया क्योंकि जब भी हमारा एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, जो पार्टिकल इससे निकल रहे हैं, ठीक है, ये एरोसोल्स होते हैं, और बियर, बियर ठंडी करने वाली जो चीज़ हमारे रेफ्रिजरेटर होती है, ये दोनों हमारी बर्बाद करती हैं हमारे ओजोन लेयर को। तो ओजोन लेयर को बर्बाद हो रही है तो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे तत्व हैं, सॉरी, CFC-11, CFC-12, CFC-13, तो इसको बचाना तो चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि बात यह है कि जो हमारा अंटार्कटिक रीजन है वहां पे एक बड़ा सा होल हो गया है सदर्न हेमिस्फेयर में, और यदि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बात करें तो इंग्लैंड के ऊपर हमारा एक होल हो गया है। अब बोलोगे सर ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड बनते हैं और ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन ये जाती हैं और ओजोन से टकराती हैं और इनको तोड़ देती हैं। एक क्लोरीन का जो एलिमेंट होता है लगभग 1000 ओजोन के कण को बर्बाद करता है। ये सब मैंने रिएक्शन के साथ बहुत तगड़े तरीके से पहले बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम प्रोटेक्ट, अब तो ये होल हो रहा है भाई इंग्लैंड में और अंटार्कटिक में, तो क्या करेंगे? तो हमारा हुआ वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन में क्या हुआ था कि बोला गया कि आप ओजोन को प्रोटेक्ट करो क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग, और ये लीगली बाइंडिंग नहीं था कंट्रीज पे। अब ओजोन को प्रोटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों सन से तीन लाइट्स आती हैं, यूवीए, ए बी और सी। यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, इसकी एनर्जी ऐसे इंक्रीज करती जाती है। यूवीसी की एनर्जी यूवीबी से ज़्यादा होती है, यूवीबी की एनर्जी यूवीए से ज़्यादा होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि यूवीसी पूरी ही पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है बाय ओजोन लेयर, लेकिन यूवीबी का कुछ पार्शियल एब्जॉर्ब करती है हमारी ओजोन लेयर, और यूवीए क्या सीन है कि ये नॉट एट ऑल, बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो बेसिकली जो ओजोन लेयर में जो हमारी रेज प्रॉब्लम कर रही है वो मेरी यूवीबी है, ठीक है। यूवीबी सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम करती है, क्रिएट करती है। तो उसी को बचाने के लिए हमारा वियना कन्वेंशन करा गया था, और उसके बाद इसी के अंदर प्रोटोकॉल बनाया गया, मोनिट्रल प्रोटोकॉल। इसमें बोला गया, देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है और कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल में ये होता है कि आपको कुछ अलाउ किया जाता है कि आप कुछ चीज इमिट कर सकते हैं, ये आपकी क्वांटिटी है। और कन्वेंशन में इसको या तो लीगली बाइंड कर दिया जाता है कि नहीं आपको बिल्कुल इमिट नहीं करनी है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस का हमारा लीगली बाइंडिंग एमिशन है वहां पे, ठीक है। इसी तरह से आप प्रोटोकॉल में ही बता देगा कि हाँ भाई अब ये जो कन्वेंशन हुआ आपका, तो अब तो बाइंडिंग हो जाना चाहिए कि नहीं भाई एकदम बनाना ही नहीं है हमारा ओजोन से, जो ओजोन को हमारे हार्मफुल हार्म कर रही है जो गैसेस, वो हमें यूज ही नहीं करना है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना ही नहीं है। तो बोला गया नहीं, ये लीगली बाइंडिंग हमारा नहीं था, इसलिए प्रोटोकॉल बनाया गया जिसके अंदर बोला गया कि नहीं, रिडक्शन एंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, पहले रिड्यूस करो इसको। कैसे रिड्यूस करोगे? उसका जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन को रिड्यूस करोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो सबको हो जाएगा स्किन कैंसर। अब ये जो हमारी लाइट आएगी यूवीबी, ये स्किन कैंसर कर देती है, ठीक है। स्किन बर्न इसी को बोलते हैं, आके ये हमारे डर्मीज में घुस जाती है, जो हमारे त्वचा है इसके अंदर, त्वचा। अब पढ़ते हैं दोस्तों इंडिया ने क्या किया ओजोन लेयर को बचाने के लिए। दोस्तों इंडिया कंट्री देखने में तो लगती है कि यार डेवलपिंग है, ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज का ख्याल नहीं रखा, नहीं, यहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है। इंडिया अपने जीडीपी का 2 to 2.5% खर्च कर देती है एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए, ठीक है, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। तो बेसिकली इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था मॉनिटर प्रोटोकॉल को। अब रेटिफाई किए हो तो कैसे रिड्यूस करोगे भाई, वो तो बात देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर और आपका जो फॉग था, एरोसोल्स, इसके बाद हम CFC यूज़ करते हैं इसलिए कि हमारा जो पैकेजिंग होती है ना, तो उसमें भी CFC यूज़ करते हैं। अब CFC क्यों यूज़ करते हैं पैकेजिंग में? क्योंकि जो हमारा CFC होती है इसकी टॉक्सिटी एकदम बिल्कुल नहीं होती है, और ये हीट और से रिएक्ट नहीं करती, काफ़ी स्टेबल होता है, तो पैकेजिंग में कहीं भी डाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा 2/3 यदि ओजोन लेयर कोई चीज़ पॉल्यूट कर रही है तो हमारा एरोसोल है और रेफ्रिजरेटर है, यहाँ से निकलती है। अब बोलोगे सर रेफ्रिजरेटर कैसे निकलती है, क्या हमेशा निकलती है? नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम एसी लगाते हैं ना तो उसके अंदर कूलेंट भरवाते हैं, और एसी हो या रेफ्रिजरेटर उसके अंदर भी कूलेंट भरता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कूलेंट धीरे धीरे बाय द टाइम वो
निकलता रहता है थोड़ा 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 थोड़ा, वो जाके हमारे एटमॉस्फेयर को बर्बाद करता रहता है, एटमॉस्फेयर जो हमारी ओजोन है। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी ने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला ठीक है यार हम यही कर सकते हैं कि जो ओजोन को, मतलब कि ओजोन ओजोन लेयर को हमारे हार्मफुल कर रही है गैसेस, ये इसका जो सब्स्टिट्यूट आएगा, जो मटेरियल हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा मटेरियल, ठीक है, तो उस पर हम कस्टम और एक्साइज ड्यूटी दे सकते हैं। और फुल एग्जेम्पशन कर दिया कि नहीं, यदि आप ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाला सामान नहीं बना रहे हैं और जो पुराना मेथड है जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको फुल एग्जेम्पशन मिलेगा एक्साइज और कस्टम ड्यूटी पे। और इंडिया यही नहीं रुका, इंडिया फैसिलिटेट करता है मॉनिटर प्रोटोकॉल को साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में और पैसिफिक रीजन में, यहाँ पे ये फैसिलिटेट भी करता, बताता भी है कि हम कैसे करें इन चीज़ों को। अब दोस्तों बात ये है कि जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा सी लेवल भी बढ़ेगा, और सी लेवल बढ़ेगा तो जो टापू है हमारे, आइलैंड है, कोस्टल एरियाज है, ये हमारे सबमर्ज हो जाएंगे। सबमर्ज होने का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि वहाँ सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी, वहाँ जो फ्लोरा फौना है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और साथ में जो सबसे ज़्यादा खेती जो कोस्टल एरियाज में आप देखेंगे तो चावल की होती है, राइस की होती है, और जिस सी लेवल इंक्रीज करेगा तो राइस की खेती, पैडी खेती खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल हमें मिला है जो सस्टेनेबल है। जैसे बात करें ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, इसका नाम है गिहास, ठीक है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट है, IMP लिखा है मैंने यहाँ पे। तो बेसिकली ये कुछ जगह का एग्जाम्पल है, कुछ लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है कि नहीं सी लेवल से नीचे रहते हुए भी पैडी की खेती आसानी से की जा सकती है। तो कुछ लैंड ऐसे हैं जो सी लेवल से नीचे हैं, ठीक है। अब बोलो सर सी लेवल क्या है, मुझे नहीं पता। सी लेवल वो लेवल है दोस्तों कि जो भी सी है यहाँ पानी है, इनका जो एवरेज लेवल है उसको हमने ले लिया सी लेवल, ठीक है। तभी कहीं की हाइट यदि देखी जाती है अर्थ पे एल्टीट्यूड के फॉर्म में, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के फॉर्म में जब देखेंगे तो हमेशा ये बताया जाता है कि ये सी लेवल से 500 मीटर ऊपर, 600 मीटर ऊपर, 800 मीटर ऊपर, 2000 फीट, 5000 फीट, 2200 फीट, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। वो लेवल जो हाइट का है वो सी लेवल है। क्यों सी लेवल है भाई, क्यों ही सी लेवल हमने लिया? क्योंकि सी लेवल हमारा इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ही ज्यादा टाइम में करता है, ठीक है। अभी इतना ज्यादा हमने पॉल्यूशन किया है तो हमारा 18 सेंटीमीटर से 59 सेंटीमीटर तक इंक्रीज होना है, समझ रहे हैं? 18 सेंटीमीटर इतना था, 15 सेंटीमीटर स्केल होती है इतनी सी, इतना लेवल इंक्रीज हुआ। तो इससे कोई हाइट फर्क थोड़े आएगा यार, जो हाइट हम मापते हैं। तो अब और कोई चीज हम मापन लेते, कोई हम इकाई लेते रखने के लिए कि हाँ सी लेवल से कोई दूसरी चीज लेंगे, तब तो हमारा गड़बड़ हो जाता है ना पूरा। इसलिए हमने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि हम सी लेवल से किसी हाइट को लेते हैं। अब क्या है दोस्तों कि ये ट्रेडिशनल वे में, अब देखिए अभी क्या हो रहा है, पूरी इकोलॉजी में यही चल रहा है कि भैया ट्रेडिशनल वे से रहो, CO2 का इमिशन मत करो, ग्रीन हाउस इमिशन मत करो, हमारे यहाँ फूड वेव है, इसको बचाना है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, तुम मर जाओगे, नेचर फिर तुम्हें डोमिनेट कर जाएगा। यही है कुल चीज, एक जितनी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है सब कुछ बनाई है, सब चला जाएगा भाड़ में यदि हमारा फूड वेव नहीं बचा तो, ठीक है। एक भूकंप आएगा सब खत्म, कहानी खत्म, हमारा सब कुछ तबाही हो जाएगी, इंडिया का जो दिमाग लगा के हम बना रहे हैं टेक्नोलॉजी सब निकल लेगी। तो यही जिस्ट है इसका, ठीक है, कि हमको फूड वेब बचाना भाई कुछ भी करके। अब फूड वेब बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमारे यहाँ कम्युनिटी है, जो कीड़े मकोड़े पक्षी कुत्ते मुत्ते जितने सारी चीजें, सब सब पे सब डिपेंडेंट है, एक चेन है यहाँ पे, एक चेन है, तभी तो फूड चेन बोलते हैं ना भाई, और एक भी कड़ी फिसली तो काम हो जाएगा गड़बड़, इसलिए इसको बचाना है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल लोग खोज रहे हैं कि कौन यहाँ पे रह रहा है ट्रेडिशनली वे में, जो बायोडाइवर्सिटी के साथ कम्युनिटी हमारी हारमोनी में है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल इंडिया में मिला है कुटंड केरला में। अब क्या है कुटंड केरला में, कुटंड केरला में ये है कि यहाँ की जो एक एरिया है जो वो सी लेवल से नीचे है, ठीक, और सी लेवल से नीचे होने के कारण क्या हो रहा है, वो राइस का कल्टिवेशन हो रहा है। तब यही ग्लोबल कम्युनिटी देख रही है कि सी लेवल जब राइज हो जाएगा तो उसके उसके संदर्भ में कुछ एरिया तो उसके नीचे ही आएंगी ना, ठीक है, क्लियर। तो जब वो नीचे आएंगे तो वहां पे तो खेती करनी पड़ेगी ना हमें राइस की। तो वही बात है यहाँ पे, जो राइस बिलो द लेवल सी लेवल की जो कल्टीवेशन यहाँ पे हो रही है कुटंड केरला में, तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी। तब केरला गवर्नमेंट ने बोला अच्छा बहुत सही बेटा, बहुत सही कुटन भाइयों, ऐसा करते हैं इंटरनेशनली रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिलो द सी लेवल, इसके नीचे एक बना देते हैं, रिसर्च और ट्रेनिंग कर देते हैं कैसे हम सी लेवल के नीचे फार्मिंग कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल मिला है ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर करने का, कारापुट उड़ीसा में ट्रेडिशनल वे से एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा
वेना कन्वेंशन, ओजोन प्रोडक्शन एंड किहास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।